लोकसभा चुनावों की चोट के बाद प्रदीप भंडारी जी, लोकसभा चुनावों में जो चोट आप लोगों को लगी उसी का नतीजा है कि अब बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सब कुछ याद आ रहा है प्राची जी? हम मानते हैं एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आई थिंक भारत के लिए सबसे एक नंबर का नारा है सब भारतीयों को। लेकिन ये भलाई जो है लोकसभा चुनावों के बाद याद आई। प्राची जी बोलिए, अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान बात करता है यूनिटी की, तो अगर हम बात कर रहे हैं एकता की, जिसमें हिंदू एकता भी अनिवार्य है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है, तो वोट बैंक करने वाले नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? मैं आज कहना चाहता हूं, आपके डिबेट में स्पष्ट हो चुका है कि सरकार मायुक्ति की बनने वाली है। तहसीन पूनेवाला जी ने कहा कि वो चाहते नाना पटोले चीफ मिनिस्टर बने, परंतु किशोर तिवारी ने उसको एंडोर्स नहीं किया। मैं मगर तहसीन के मुंह से ये निकल जाए कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नॉमिनी हो ना कि नाना पटोले, तो मैं मान जाऊंगा इनमें यूनिटी है। इनमें नहीं है यूनिटी। तभी 23 तारीख को संजय राउत कहते हैं कि भाई हम हिसाब कर लेंगे। और ये लड़ाई महाराष्ट्र की महिलाएं लड़ रही है प्राची जी, क्योंकि महाराष्ट्र की महिलाओं को इन्होंने अपमान किया, इंपोर्टेड माल का, बकरी का, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग। और एलओपी विजय वाटिकर क्या कहते हैं कि वो लाडकी बहना योजना को खत्म कर देंगे। और किशोर जी को मैं कहना चाहता हूं, झूठ पे झूठ पे झूठ मत बोलिए किशोर जी। ये रहा महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 20% प्रोजेक्ट्स मिले हैं किसी भी स्टेट से सबसे ज्यादा, तो आज आप बौखलाए हुए हैं। तो मैं समझ सकता हूं, 10 सेकंड कहूंगा मैं इस डिबेट पे, जो एआईएमएम के प्रवक्ता ने जिस तरीके से पर्सनल टिप्पणी तहसीन पूनेवाला की करी, मैं खंडन करता हूं, क्योंकि पर्सनल टिप्पणी वही व्यक्ति करता है जिसके पास मुद्दों पे बात करने की नहीं होती। और ये जमानत जत पार्टी यही काम कर सकती है, लोगों पे पर्सनल टिप्पणी। भंडारी जी एक सवाल तो मेरा भी, अब एकता 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 की इतनी सारी बातें हो गई, आपने महायुति महाविकास अघाड़ी की पूरी एकता की बात बता दी, कितने एक है या कितने नेक है सब आपने बता दिया। आपकी अपनी पार्टी एकजुट या आपका अपना गठबंधन एकजुट क्यों नहीं हो पूरी तरीके से एकजुट है? 287 सीट्स पे नवाब मलिक की सीट पे जी, क्या संयुक्त जो आपका संकल्प पत्र आया है उस पर यकीन नहीं है मैनिफेस्टो पर? अजीत पूर्ण रूप से नहीं, मैं बताना चाहता हूं अलग से क्यों लेकर आए। मैं बताना चाहता हूं, अजीत दादा पाटे, अजीत दादा पवार, अगर जो जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स से उनको फीडबैक दिया है कि इन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो लाजमी है कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वो ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। कल को अगर एकनाथ शिंदे जी को भी लगता है कर सकते हैं, भाजपा भी कर सकती है, तीनों एक स्टेज। आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, पहले मैं आदिल हसन जी फिर आप सुनते नहीं है, मैं आपसे पहले अपील कर देती हूँ, हम डिबेट में बैठे हैं, मर्यादित डिबेट में बैठे हैं, मेरे दर्शक देख रहे हैं, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें अदब झलके। आदिल हसन जी, अदब की बात आप करते हैं, आपके नेता करते हैं ना, अब अपनी बात आप रखिएगा। ये 15 मिनट वाले बयान की जरूरत क्यों पड़ गई, जब इतना ही सब कुछ ठीक है और ये मुसलमान आपके साथ है, तो क्यों आप वो इशारों इशारों में बात कर रहे थे, खुलकर ही बोलते फिर। मैम ये बात इसलिए मैंने बोला, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, सुबह शाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब की तारीफ करते हैं, लंदन में भी ब्रिज देखे गए, रिवर क्लीन म्यूजिक पर उन्होंने अकबर ओवैसी साहब को सबसे पहले बुलाया, और एक समर्थक पार्टी का ऐसे बोलेगा तो गलत है ना। एक चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस का ऑफिशियल होता है, उसने कहा क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में? इमरान प्रताप करी महाराष्ट्र से चुनाव खंडन करने का एक तरीका होता है आदिल जी, ऐसे खंडन करिए लेकिन पर्सनल टिप्पणी मत करिए। छोटा भाई बोलेगा, मैम देखिए बड़ा भाई छोटा भाई और आप जो कह रहे थे उसमें जमीन आसमान का अंतर है आदिल जी, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए। मुझे बीजेपी से आप क्यों जोड़ रहे हैं बेवजह? तो आप जवाब तो फिर खट्टा मिट्टा मिलेगा मैम, तैयार रहिए फिर। शब्दों का चयन मैं तो नहीं सिखाऊंगी आपको आदिल जी, आप लोगों के विवेक पर है आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलिए सर, 15 मिनट वाले बयान पर, 15 मिनट वाले, 9:45 कैंपेनिंग का टाइम, 10 बजे अभी 15 मिनट बाकी है, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र कीजिए। किस बात का सब्र करा रहे थे, कौन सा 15 मिनट याद दिला रहे थे आदिल जी? मैम इसलिए, मैम आप इसलिए देख लीजिए कि 15 मिनट बाकी है, लोगों को बताया क्योंकि पिछले बार जब तेलंगाना में असेंबली हो रहा था, एक पुलिस ऑफिसर 9:53 ही में आके स्टेज पे चढ़ गया था और अकबर ओवैसी साहब की स्पीच पे डिस्टर्ब कर रहा था, और एक पुलिस ऑफिसर फिर माफी मांगे, कमिश्नर साहब ने केस को विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि नहीं पुलिस ऑफिसर ने गलती किया, इसलिए हमने जनता को बताया। और नरेंद्र मोदी के पार्टी के जो बेटी बचाओ वाला बात करते हैं, राम रहीम को पेरोल भाजपा दिलाई, आसाराम बाबू के साथ मोदी जी, और मोदी जी बोल रहे हैं ये बात, ये तो आश्चर्य होता है, बेटी बचाओ वाली बात आप ही बतलाइए कि बेटी वाला आसाराम के साथ मोदी जी, राम रहीम को पेरोल कौन, राम रहीम का क्या है मामला में? अरे कम से कम आप विमेन एम्पावरमेंट की बात मत करिए, आप महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात मत करिए, समझे आप? एक खुद जाके शाहबानों से लेकर अभी तक कोई भी महिलाओं के पक्ष में एम्पावरमेंट की बात आती है उसका पक्षधर नहीं होते आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं की हती करते हैं। मैम मेरा टर्न है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने वाले
और मेरी भाभी गुजरात में, उनका चिंता 10 साल से नहीं है, और महिलाओं पर अगर कोई बोलेगा तो अच्छा चलिए आपको चिंता है, चलिए महिलाओं पर ही बात कर लेती हूँ, वैसे मुझे करनी नहीं थी, मुझे महाराष्ट्र पर ही रहना था, लेकिन महिलाओं पर बात कर लेती हूँ। आपको चिंता है, 16 टिकट आपने बांटे, बताइए संख्या, कितना प्रतिनिधित्व दिया है आपने आधी आबादी? मैम 16 टिकट में मैम हमने 3 महिला को दिया, 3 दलित कैंडिडेट को दिया, वो महिला है, दलित कम्युनिटी से भी आती है, हमने उसको दिया टिकट, जो अप्लाई करेगा वही उसी को दिया जाएगा ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा तो मेरे पास नहीं है मैम, भाजपा के पास है। काउंटर प्रदीप भंडारी जी आपका भाई, वो बेशक कहें मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की बात करता हूँ, लेकिन अपने टिकट बंटवारे में आदिल हसन जी की पार्टी ने दिखा दिया कि उनको महिलाओं की भी चिंता है, दलितों की भी चिंता है, वो तो गैर मुस्लिम को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करके दिखाएंगे क्या कि आप गैर हिंदू को टिकट दे दें? मुसलमान को दे दें। एक सेकंड प्राची जी, एक बस 10 सेकंड, जिस अजीत पवार को देवेंद्र फर्नांडिस चक्की पीसिंग कहते थे, आज अजीत पवार के साथ मलाई खाई हो रहा है। प्रदीप भंडारी जी जवाब, चलिए ये ना पूरा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करते हैं, किसी मुद्दे पे बात नहीं करते। केरला की बात कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, केरला में इनमें दम नहीं है चुनाव लड़ने का, खुद बड़ी बातें करते हैं। महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल जब पार्लियामेंट में आता है AIMM वोट तक नहीं करता है, ये इनकी स्थिति। ट्रिपल तलाक जो एम्पावरमेंट को महिला मुस्लिम महिलाओं को एम्पावर करने की बात करता है उसका ये विरोध करते हैं। CA पे 6-6 महीने तक बोलते थे मुसलमान की सिटीजनशिप चली जाएगी, अभी तक नहीं बता पाए किस मुसलमान की सिटीजनशिप गई। कट्टरपंथी पार्टी है ये, और क्या AIMM के अंदर जो पावर सेंटर है वो असदुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी महिला को दे सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा पावर स्ट्रक्चर किसी महिला को दे सकते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी महिला को स्पीकर बना सकते हैं? तो मैं बात करूं, सबका विकास करने वाली पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? हमने दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने नकवी जी हमारे मिनिस्टर बने, हम जिन्ना वाली आइडियोलॉजी के नहीं होते कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हिंदू मुसलमान दलित कोई भी हो जिसमें काबिलियत है हम उसको टिकट देते हैं। अच्छा बादल हसन जी, एक मिनट, तो मुस्लिम पार्टी मेहमान भी और है, 3 अन्य मेहमान भी और है, तहसीन पूनावाला जी भी है, उनके नेता आज जो बोल रहे थे, तहसीन पूनावाला जी, एक तो नई बात मुझे आज पता चली, गलत हूं तो प्लीज मुझे ठीक कर दीजिएगा, किताब दिखा रहे थे, संविधान वाली कॉपी दिखा रहे थे, 1000 साल पुराना हमारा संविधान है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है हमें आजाद हुए अभी 7 दशक से ज्यादा का वक्त बीता है, 1947 में हम आजाद हुए थे, उसके बाद संविधान बना था। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़कर मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता, कौन है गीदड़ कौन है शेर? तहसीन पूनावाला जी, नहीं, संविधान की बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने बात इसलिए कही थी क्योंकि हमारी जो संविधान है वो रामायण से हम प्रेरणा लेते, भगवान श्री राम से, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू इक्वालिटी, वो रामायण से आता है, भगवान राम सबको इक्वल ट्रीट करते थे, राइट टू स्पीच वो रामायण से आता है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी रामायण से आता है, भगवान राम सबकी सबके प्राणों के लिए लड़ते थे, ये रामायण से हमने प्रेरणा ली, इसलिए उनकी बात कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल जी से बड़ा शिव भक्त हमारे देश में कोई नहीं है, लेकिन हम अब बात करें चुनाव की और महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं राहुल गांधी उन पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पोलराइजेशन हुआ, MIM मुसलमान वोटों के लिए, BJP हिंदू वोटों के लिए, ये पोलराइजेशन से BJP का फायदा होगा, MIM का फायदा होगा, इसीलिए MIM ने टैक्टिक करी, 16 कैंडिडेट्स को उन्हीं सीटों में उठाया जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, ताकि वहां पे पोलराइजेशन हो, उनको लगता है पोलराइजेशन हो और इसमें फायदा BJP को, ये सबको दिखती है ये बात। और ये 15 मिनट की बात भी जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे, 15 मिनट के लिए जब जेल में डाला था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने और वहां के मुख्यमंत्री ने, तब किस तरह से सॉरी बोले थे, कितनी बार सॉरी बोले थे वो सबको याद है, जब जेल में गए थे तब तो कह रहे थे उनके बड़े भाई, लेकिन अच्छा लग रहा था। तहसीन पूनावाला जी, आप रामायण का हवाला दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का हवाला दे रहे हैं, श्री राम के मंदिर जाने के राहुल गांधी को कह दीजिए 1 साल से नहीं गए, अयोध्या गए नहीं है, नौटंकी हो रही है। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ, राम राज्य की बात कर रही हूँ सर, एक मिनट आ रही हूँ, तहसीन जी दीजिए जवाब। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो अभी एकनाथ शिंदे जी के प्रवक्ता ने कहा कि नौटंकी हो रही है, हमारी माइथोलॉजी हमारी संस्कृति को अगर आप नौटंकी कहोगे इससे मैं आपत्ति नहीं कहा, आपके कांग्रेस पार्टी ने कहा, नहीं 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 मैम, नहीं मैम, रामायण जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, इसके बारे में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तहसीन पूनावाला जी, आपके नेता राहुल गांधी जी का बयान था ना राम मंदिर उद्घाटन का, राम मंदिर में जब क्या हुआ था, वहां पर क्या कार्यक्रम हुए थे, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, सुशी बेन जी उसकी बात कर रही थी, खैर मैं आपसे ये कह रही थी सर, रामायण का जिक्र कर रहे हैं, आपको आज हिंदू माइथोलॉजी याद आ रही है, जब इन्हीं देवी देवताओं को अपशब्द कहे जाते हैं, जब इसी सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा कहा जाता है, तब नहीं जागता ये शिव भक्ति या रामायण की भक्ति या राम भक्ति। करेक्ट
अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारी देवी देवताओं को गाली दी थी, उनके बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, उनको कांग्रेस की सरकार ने जेल में बिठाया और छोड़ाया बीजेपी की सरकार ने, उनका केस तब रद्द हुआ जब बीजेपी की सरकार सर, अपने अलायंस की बात कर लीजिए ना एक बार, विरोधियों पर कार्रवाई तो कर लेते हैं। और जिन लोगों ने शब्दों का प्रयोग हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ किया था, मैं अब भी अपील करता हूँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, उन पर कार्रवाई की। राहुल गांधी जी पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तहसीन पूनेवाला जी, क्योंकि 28 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने कहा था, नाच गाना चल रहा था प्रभु श्री राम के मंदिर में, तो आज तहसीन जी ने बहुत बड़ी बात की है। तहसीन जी, स्वागत करता हूं कि आपने केंद्रीय गृह मंत्री को कहा है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके बयानों के खिलाफ और सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। आप एक लिखित पत्र ट्विटर पे लिख दीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, तो तुरंत से ये आगे बढ़ा दिया जाएगा। माननीय गृह मंत्री मेरे ट्विटर पे काम करते हैं। नहीं, आप एक पब्लिकली भी इसको जरा व्यक्त कर दीजिए, जिससे कि स्पष्ट हो जाए। मैंने भी कहा कि राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म को किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है, और इस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी। आप कभी कभी जो बातें कहते हैं वो बातें अगर आप कांग्रेस को समझाने में कामयाब हो जाए तो इतने सवाल शायद मैं आपसे करूँ ही ना, इतने सवाल मैं आपसे करूँ ही ना। अब आ जाइए किशोर तिवारी जी, आप भी फिर आदिल जी आऊंगे आपके पास, एक मिनट रुक जाइए। किशोर तिवारी जी बहुत देर से सबका काउंटर करना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, सब पर घूमकर चर्चा हो गई, सबने अपना 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 एजेंडा बता दिया। आपने तो खैर खुलकर मुझे कह ही दिया था कि हम तो बदले के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को बोल दूं बैक सीट पर आ जाइए, अब जरा पहले बदला पूरा होगा तब हम जनता की बात करेंगे। नहीं, भारत के उद्योग भी वापस लाना है, जो भूमि हमारी मुंबई की देवी हमेशा। एक मिनट, सुशीबेन थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्रदीप जी बम्बई तो आते नहीं आजकल, वो तो अरे आता हूँ मैं, आप भूल गए बम्बई आना, आता हूँ मैं। मेहमान है भाई, घबराइए मत। भाई, नहीं देखो प्राची, मैं किसी के बीच में बोला नहीं। हाँ, और कोई बड़ा आदमी बोलता है तो बच्चों ने बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ अरे भाई, अरे अभी अभी तो आए हो रुचि बहन, कहाँ तुम, कितने पुराने हो अभी अभी, हम तो कब से हैं भैया। मेरी 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 एक बात, हाँ बोलिए बोलिए किशोर तिवारी जी बोलिए, सब सम्मान करेंगे। मैं सबसे कह देती हूँ, किशोर तिवारी जी का सब सम्मान करेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप बहुत बड़े हैं, सब सब बोलिए तिवारी जी। मैं यानी मेरी उंगली पकड़ के तो मोदी जी ने सीखा है ना ये सब कुछ राजनीति, तो मैं बता रहा हूँ तुमको। चलिए कि मोदी जी के गुरु कौन है ये भी हमें पता चल गया, किशोर तिवारी जी शिष्य के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अच्छा चलिए अभी छोड़ते हैं, कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य, छोड़ देते हैं। किशोर तिवारी जी मुद्दे पर आइए, आज बीजेपी के बम्बई के अध्यक्ष ने 40 बागियों को पार्टी से निकाल दिया और 40 बागियों को फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के लिए बाकी रखा, और अजीत पवार जी के 32 बागियों को उन्होंने ऑफिशियली खड़ा किया। और मैं बता रहा हूं, एकनाथ शिंदे साहब ने विदर्भ से लेके मराठवाड़ा के अंदर बीजेपी के खिलाफ अपने 42 लोगों को तन मन धन से मदद करके खड़ा रखा है, और ये एक संघ है महायुति, इतना जूतम पैदार हो रहा है तो फिर भी एक संघ है। तिवारी जी आपकी अगर इजाजत हो तो मैं बीच में थोड़ा बोलना चाह रही हूँ, अब आपके बीच में थोड़ा सा आना चाह रही हूँ। अब बागियों की बात अगर आपने करी दी तो बता दीजिए, उद्धव गुट ने कितने बागियों पर कार्रवाई की है, बता दीजिए महाविकास आघाड़ी के कितने बागी जो है मैदान में खड़े हुए हैं। बागी बागियों पर चर्चा करेंगे किशोर तिवारी जी, तो उतने ही हाथ आपके रंगे हैं जितना महायुति के रंगे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही थी, मैं एक बात ऐड कर लेता हूँ। हाँ, एक भी बागी अगर हमारा हो तो बता दो, हम तो किस पे ही कार्रवाई नहीं की, ये प्रजातंत्र का पर्व है, जितने को खड़ा रहना है रहेंगे। मुझे बताना पड़े कि आपके कितने बागी हैं, मैं मुझे बताना पड़े आपके कितने बागी हैं, तो सर होमवर्क करने की जरूरत आपको है, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर झुटला देंगे आप। अरे जी कहते तिवारी जी, अभी आपने कहा कि आप बड़े हैं सबसे, आप बड़े हैं सबसे, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, तो सर बड़े लोग झूठ भी नहीं बोला करते हैं, बड़े लोग झूठ भी नहीं बोला करते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, लेकिन हमारे पास कोई बागियों पर चले गए, मैं जवाब ले लूंगी, अभी बागियों पर चले गए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, लेकिन किशोर तिवारी जी मुस्कुराकर जिस अंदाज में आप जवाब देते हैं, मुस्कुराकर कह दीजिए ना एक बार को कि इस बार के चुनाव में आप बैक सीट पर आ जाइए, क्योंकि हमें तो शिंदे साहब से बदला लेना है,
एक मैं बता रहा हूं, शिंदे और अजीत पवार ये संदर्भहीन हो गए हैं, बीजेपी ने उनको खत्म कर दिया है। बीजेपी का एक ही नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने सगा नहीं। अरे हम तो बच के भाग गए, अरे हम तो बच के भाग गए उनसे। 10% कम है उनसे। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, 34% नए नए आए हो, सुशील नए नए आए हो, कांग्रेस से नए नए आए हो, थोड़ा रुको ना, कांग्रेस से नए नए आए हो, ऐसा मत करो। अरे भाई मैं मुझे मालूम है बीजेपी कितना खराब है। अरे भाई बुद्धू देव भाव ये नारा है तुम्हारा, ठीक है। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, चलिए फिर चर्चा में आती हूँ। आप तो बड़े हैं, आप तो अच्छे बुरे सबका समझ सकते हैं, ठीक है, कोई गलत बयान नहीं है। आप तो बड़े छोटे सबका सबको आपको पता है कि कौन झूठ कौन सच बोल रहा है। आप सबकी समझ रखते हैं किशोर तिवारी जी, अरविंद सावंत पर, अरविंद सावंत पर आप लोग खामोश क्यों रह जाते हैं? गद्दार बोलो, संजय राउत के भाई साहब पर आप खामोश क्यों रह जाते हैं? कोई एक शब्द चुन लो तिवारी जी, एक शब्द चुन लो तिवारी जी, क्या मैं गद्दार तिवारी जी, क्या मैं खोखलाबाज बोलूं तिवारी जी, अडानी गुलाम? अरे अपने पर्सनल हितों से थोड़ा आगे निकल आइए, बोलिए ना, अपने बदले से थोड़ा आगे निकल आइए किशोर तिवारी जी, अपने बदले से थोड़ा आगे निकल आइए। अरविंद सावंत जी पर, संजय राउत के भाई साहब पर कुछ तो बोल दीजिए, इनको क्यों नहीं पार्टी बोलती है? तब क्यों नहीं बोलते आप, मैं बड़ा हूँ, मत बोलिए महिलाओं के लिए ऐसा। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलिए ना। देखो प्राची जी, हाँ, ये जो बकवास कर रहे हैं ना, कोई माल बोले कोई बकरी बोले, ये मेरी पार्टी इंडोर्स नहीं करती। और मैं और तहसीन दोनों मिलके यहाँ पर अनकंडीशनल एपोलॉजी देते है। और आपने तो दे दी, कार्रवाई नहीं हुई। संजय राउत जी को सुन लेते, अरविंद सावंत जी को सुन लेते तो मुझे समझ में आ जाता। संजय राउत साहब को सुन लेते, एक फाइनल कमेंट प्रदीप भंडारी जी पर। संजय राउत जी ने अरविंद सावंत के कमेंट को डिफेंड किया है, ये महिला विरोधी लोग हैं और इसीलिए महाराष्ट्र की महिला इनका जवाब देगी, क्योंकि ये लाठी बहना का भी विरोध करते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर मैं बताना चाहता हूँ क्या करना चाहते हैं, 100 करोड़ का वसूली रैकेट जो अनिल देशमुख चलाते थे वापस लाना चाह रहे हैं। और आज किशोर तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने उद्धव ठाकरे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देखा, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते तो इनको पता चलता इनके कितने रिबेल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने अल्टीमेटम दिया था कि कार्रवाई हो जाएगी, सबके सब बैठ जाओ। अभी महाराष्ट्र का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नए नए शब्द उसमें जो है जुड़ रहे हैं, और आज तो इत्तेहाद शब्द भी जुड़ा है। आदिल हसन जी माफी चाहूंगी, नहीं आ पाऊंगी आपके पास, समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।